गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में जो भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। देखिए, सबसे पहले 2020 यानी कि इसी साल मार्च में जो क्वेश्चन आए उनकी अगर बात की जाए तो पहला क्वेश्चन यह था, प्रकाशिक समावयवता को परिभाषित कीजिए, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखनी है। क्या होती है प्रकाशिक समावयवता? देखिए, प्रकाशिक समावयवता का सीधा सा मतलब ये है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को PPL यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। प्रकाशिक समावयवी जो हैं उनके जो अणुसूत्र है, भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है आदि क्या होते हैं? समान होते हैं। ये मुख्यतः है, अगर देखा जाए तो डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं घूर्णन समावयवी कहलाते हैं, जिन्हें को हम लोग आगे क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवी। और ये जो परिघटना है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है ब्यूट टू इन के ज्यामितीय समावयवी लिखिए। ब्यूट टू इन के ज्यामितीय समावयवी, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। चार कार्बन है, नंबर टू कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, बाकी को हम लोग हाइड्रोजन के साथ वैलेंसीज को कंप्लीट कर देंगे। तो यह है ब्यूट टू इन। अगर इसके साथ देखी जाए तो हम लोग ये क्या है, एक एल्कीन, और एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता जो है वह प्रतिबंधित घूर्णन के कारण पाई जाती है। अगर हम लोग देखें तो इसमें ज्यामितीय समावयवी बनेंगे इसके दो, एक जिसमें समान समूह है एक तरफ होंगे उसे हम लोग कहेंगे समपक्ष, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिस। दूसरा जिसमें समान समूह एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होंगे तो उसे हम लोग कहते हैं विपक्ष रूप, या इसी का दूसरा नाम है ट्रांस। ब्यूट टू इन के दो समावयवी बन गए, एक बना समपक्ष रूप और एक बना विपक्ष रूप। न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र द्वारा एथेन के सरूपण को समझाइए। न्यूमैन प्रक्षेपण के हेल्प से एथेन के सरूपण को हमें बताना है। देखिए क्या होते हैं, एथेन की यह स्ट्रक्चर, कार्बन और कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है इसके फ्री रोटेशन से, यानी इसके सापेक्ष जो ग्रुप्स हैं उनके फ्री रोटेशन से जो समावयवता उत्पन्न होगी उसे हम लोग कहते हैं सरूपणीय समावयवता। न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र ऐसा होता है जिसमें हम लोग सामने वाले कार्बन को वृत्त के केंद्र से और जो पीछे वाला कार्बन होता है उसे वृत्त की परिधि से इंडिकेट करते हैं। सामने वाला जो कार्बन है उसके साथ जुड़े हुए जो समूह हैं उनको हम लोग स्मूथ लाइंस से लिखते हैं। इसके साथ जुड़े हुए ये हाइड्रोजन हो गए, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के। आपको वैसे भी पता है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वह एक फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन फार्मूला है, यानी सामने से इसमें देखा जाता है। अगर इसमें दोनों कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एक दूसरे की सिद्ध में हैं, यानी कि अगर हम लोग कहें कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है तो हम लोग उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लिखेंगे। इसके साथ ही अगर हमें इसका स्टगर्ड लिखना है तो उसको हम लोग इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कि जो सामने वाले हाइड्रोजन हैं उनको वैसा का वैसा रख लेते हैं। जब सामने वाले हाइड्रोजन्स को हम लोग बिल्कुल वैसा का वैसा रखेंगे तो हम लोगों ने इनको
इस हाइड्रोजन को अगर हम लोग 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं, तकरीबन यही यहाँ पे आएगा, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये हो गए, इसका कौन सा कन्फर्मर, ये है इसका स्टेगर्ड कन्फर्मेशन बन गया। आपको वैसे भी पता है कि स्टेगर्ड में जो डाइहेड्रल कोण है वो 60 डिग्री यानी कि मैक्सिमम डाइहेड्रल कोण दोनों ग्रुप्स के बीच डिस्टेंस होने के कारण हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको बोल ये स्टेबल होता है। जबकि यह है दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सांतरित स्वरूपण जो है वह हमेशा ही ज़्यादा स्थायी होता है, किससे, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 2019 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में। चैप्टर 3 नंबर का है तो आप लोगों को 3 क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो पहला सवाल यह है कि H2O में कौन सी सममित अक्ष पाई जाती है। आपको H2O में पाई जाने वाली सममित अक्ष को ढूंढना है। देखिए, अगर हम लोग H2O की बात करें तो हम लोग H2O की स्ट्रक्चर को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, यह है हाइड्रोजन, यह है हाइड्रोजन। अगर हम लोग, ठीक है, देखिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, हम लोग इस प्रकार से H2O की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, जहाँ ये दोनों पेन मिल रहे हैं वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऊपर से एक अक्ष गुजारें, ऊपर से जब अक्ष गुजारेंगे तो जब दोनों को ऐसे रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री के रोटेशन के ऊपर, 180 डिग्री के रोटेशन के ऊपर वापस यह हाइड्रोजन जो था वह इसकी जगह आ जाएगा, यह हाइड्रोजन जो था वह इसकी जगह चला जाएगा। तो उस स्थिति में जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हमारे पास फिर से बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर आएगी जिसको इसके ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है। हमने कितने डिग्री के साथ घुमाया इसको, और CN का मान कैसे निकालते हैं, CN बराबर होता है जितना आपने रोटेशन 360 डिग्री में उसका भाग दे दो जितना आपने रोटेशन किया है। तो 360 में जब भाग दोगे तो आप 2 आएगा, यानी कि इसमें C2 सममित अक्ष जो है वह उपस्थित है, किसमें, H2O में। यहाँ कहाँ से गुजरेगी, ऊपर से होते हुए एक सममित अक्ष गुजरती है। अगला जो सवाल है वह है विन्यासी व स्वरूपणीय समावयवियों में विभेद कीजिए। आपको ये बताना है कि विन्यासी समावयवी और स्वरूपण समावयवी जो हैं उनमें अंतर क्या है। ठीक है, हम लोग विन्यासी समावयवता पढ़ चुके हैं और हम लोग स्वरूपणीय समावयवता भी पढ़ चुके हैं। देखिए, विन्यासी समावयवता जो है वह अणु में प्रतिबंधित घूर्णन, अणु में प्रतिबंधित घूर्णन, या हम लोग कहें कि एक निश्चित दृढ़ता के कारण उत्पन्न होती है। जबकि स्वरूपणीय समावयवता जो है वह सिग्मा बंद के थ्रू ग्रुप्स के फ्री रोटेशन के कारण उत्पन्न होती है। विन्यासी समावयवता की अगर हम लोग फिर से बात करें तो विन्यासी समावयवियों को एक दूसरे में परिवर्तित होने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमें बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग स्वरूपणीय समावयवता की बात करें तो सिग्मा बंद के माध्यम से अगर घूर्णन करवाना है तो उसके लिए निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कमरे के ताप पर विलगित किए जा सकते हैं, जबकि ये विलगित नहीं किए जा सकते हैं। कमरे के ताप पर हम लोग स्वरूपण समावयवियों को विलगित नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप जो है वह नौका रूप की सापेक्ष अधिक स्थायी क्यों होता है। अगर हम लोग बात करें कुर्सी रूप की तो यह साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप होता है। अगर हम लोग बात करें साइक्लोहेक्सेन के नौका रूप की तो यह साइक्लोहेक्सेन का नौका रूप होता है। अब देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं
ये एक्सियल हाइड्रोजन ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ये साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप है और नौका रूप अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हाइड्रोजन नीचे की ओर ये हाइड्रोजन आप लोगों की ओर ये हाइड्रोजन आप लोगों से दूर और ये हाइड्रोजन नीचे की ओर ये स्ट्रक्चर हम लोग वैसे भी पहले ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो कुर्सी रूप में जो निकटवर्ती कार्बन है उनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो आपस में कौन से सरूपण के साथ है सांतरित सरूपण के साथ है। सांतरित सरूपण के साथ होने का मतलब ये हो गया कि ग्रुप्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी के ऊपर हैं। इसके अलावा जो कुर्सी रूप है उसमें मरोड़ी विकृति नहीं पाई जाती है, मतलब यह है कि C1 और C4 के जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे ये है एक नंबर कार्बन है तो 2, 3 और यह है 4। अब देखिए यहाँ पे यह हाइड्रोजन जो था इस कार्बन से जुड़ा हुआ वह एक्सियल पोजीशन पे है ऊपर वाला, जबकि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वह इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक इसी प्रकार नीचे वाला जो हाइड्रोजन है वह एक्सियल पोजीशन पर है तो यहाँ से जो कार्बन का नीचे वाला हाइड्रोजन है वह इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। जबकि अगर हम लोग नौका रूप की बात करें तो C1 और C4 के जो कार्बन हैं उन C1 और C4 से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको हम लोग फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं और इनमें मरोड़ी विकृति ज़्यादा होती है। मरोड़ी विकृति ज़्यादा होने के कारण इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं वो जो हैं वो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के साथ होते हैं और आपको पता है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है किससे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसका कुर्सी रूप जो है वह नौका रूप से ज़्यादा स्टेबल या स्थायी होता है। आगे हम लोग बात करते हैं 2018 एरिथ्रोज शर्करा का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। एरिथ्रोज आपको अगर याद है तो हम लोग जब मीजो टार्ट्रिक अम्ल लिखते थे तो उसमें ये कहते थे कि जिन शर्कराओं में OH समूह दोनों एक और होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोज, और जो जिनमें दोनों समान समूह एक दूसरे से अलग अलग सिचुएशन में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं थ्रियो समावयवी। म्यूजो टार्ट्रिक अम्ल का हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे आपको अगले नोट्स में यह मिल जाएगा क्योंकि आपके नोट्स में आप लोगों को लिखवा दिया गया है। एथेन का सोहर्स प्रक्षेपण सूत्र में से किन सरूपण की ऊर्जा अधिक होती है और क्यों? सोहर्स सरूपण से पूछे या न्यूमैन से पूछे? सोहर्स सरूपण से हमें अब पूछा गया है और न्यूमैन से हमें पहले पूछ लिया गया है। सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग साइड व्यू से किसी ग्रुप्स को लिखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो यह एथेन का सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसमें ग्रुप्स एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हैं। कौन सा कन्फर्मेशन है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। अगर हम लोग इसका स्टगर्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यह स्टगर्ड कन्फर्मेशन हो गया। बात वो है कि हमें सिर्फ इतना लिखना है कि सांतरित सरूपण जो है एथेन का वह स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में। आप चाहे सोहर्स की बात करें चाहे न्यूमैन की बात करें। रासायनिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है क्यों? रासायनिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक क्यों होता है? उससे पहले बात करते हैं रासायनिक मिश्रण क्या होता है।
आपको ये कह दिया गया था कि अगर हम लोग डी और एल समावयवी हमारे पास जो है उनकी बराबर कंसंट्रेशन लें 50% इसकी भी 50%, तो जो मिश्रण बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेशमिक मिश्रण। देखिए हम लोगों ने ये बात करी थी कि डी समावयवी जो है वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है और एल जो है वह एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। दोनों के घूर्णन कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन चिन्ह जो होते हैं या हम लोग कहेंगे डायरेक्शन जो होती है वह विपरीत होती है। तो जितना यह क्लॉकवाइज घुमाएगा उतना ही यह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और दोनों घूर्णन जो हैं वो एक दूसरे को परस्पर नष्ट कर देंगे। किसके कारण? बाह्य प्रतिकार के कारण। बाह्य प्रतिकार के कारण ये जब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो जो बनने वाला समावयवी है यानी जो कंपाउंड है बनने वाला जिसे हम लोग रेशमिक मिश्रण कह रहे हैं वो कैसा हो जाएगा? ध्रुवण अघूर्णक हो जाएगा। लास्ट हम लोग बात करते हैं 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि मैलेइक अम्ल व फ्यूमेरिक अम्ल दोनों ज्यामितीय समावयवी हैं। ठीक है, तो दोनों की पहले स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यह है मैलेइक अम्ल और यह जो है फ्यूमेरिक अम्ल, दोनों ज्यामितीय समावयवी हैं। इनके समपक्ष व विपक्ष रूप पहचानिए। तो समपक्ष रूप क्या होते हैं? जिनमें समान समूह एक दूसरे के साथ होते हैं। तो यह जो है वह मैलेइक अम्ल का कौन सा रूप है? समपक्ष रूप है। जबकि यह जो विपक्ष रूप है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फ्यूमेरिक अम्ल। और यह हो गया इसका विपक्ष रूप। एथेन के न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र में किस सरूपण की ऊर्जा अधिक होती है और क्यों? हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एथेन के चाहे न्यूमैन सरूपण की बात की जाए चाहे सौहर्ष सरूपण की बात की जाए हमेशा जो ग्रसित सरूपण है उसकी ऊर्जा ही सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि जो आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन जो है उनसे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिद्ध में होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, तंत्र की ऊर्जा बढ़ने से उसका स्थायित्व कम हो जाता है। अगला सवाल यह है, यद्यपि मीजो टार्ट्रिक अम्ल में दो असममित कार्बन है फिर भी यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? देखो हम लोग मीजो टार्ट्रिक अम्ल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यह है मीजो टार्ट्रिक अम्ल, इसमें जो किरेल कार्बन है वह एक यह है और एक यह है। हम लोगों ने ये बात करी थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी सममिति तत्व उपस्थित होगा तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। और जो मीजो टार्ट्रिक अम्ल है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि दोनों इन किरेल कार्बन के बीच से एक सममिति तल गुजर सकता है। तो सममिति तल गुजरने के कारण यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें प्रत्येक किरेल कार्बन जो है उसके द्वारा PPL को घुमाया जाएगा यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाया जाएगा, लेकिन जितना यह इधर घुमाएगा उतना ही यह इसके विपरीत दिशा में घुमाएगा। इसमें आंतरिक प्रतिकार के कारण, देखो यहाँ पे एक शब्द थोड़ी देर पहले आया था बाह्य प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड के कारण अगर घूर्णन कोण का विरोध किया जाता है, जबकि इसमें एक ही यौगिक एक ही कंपाउंड में दो ऐसे केंद्र हैं जिनका घूर्णन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक दूसरे से उल्टी है, एक दूसरे से विपरीत है और घूर्णन कोण का मान समान है। तो यह है आंतरिक प्रतिकार के कारण और वहाँ पे हम लोग रेशमिक मिश्रण में पढ़ते हैं बाह्य प्रतिकार के कारण। तो ये थे पिछले सालों में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।